नमस्कार साथियों, क्या से क्या हो गया बीते 6 सालों में। हम पिछले 6 सालों में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष सृजित करने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में किसान की आय दोगुनी करने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बुलेट ट्रेन चलने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में 100 नए स्मार्ट सिटीज बनाने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में मेक इन इंडिया के शेयर की गर्जना की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत उद्यमशीलता को चरम पर ले जाने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में पेट्रोल की कीमत को 30 से 35 रुपए प्रति लीटर पर लाने की बात सुनते थे। हम बीते 6 सालों में विदेशों में पड़ा सारा काला धन वापस भारत में लाने की बात सुनते थे। हम बीते 6 सालों में डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत करने की बात सुनते थे। हम बीते 6 सालों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात सुनते थे। और आज क्या हुआ? आज 60% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी को सरकार ने 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह हस्तांतरित करने की बात करी, क्योंकि सरकार को लगता है कि 60% से ज्यादा जनता आज भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है। क्या से क्या हो गया, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करने वाले 5 किलो पर आ गए।